बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन। वेलकम टू द साइंस क्लास 8th। सो डियर स्टूडेंट्स, इन टुडेज लेक्चर वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर नंबर 1 वर्क बुक पेजेस। सो डियर स्टूडेंट्स, इन टुडेज लेक्चर वी क्या करेंगे, आज हम वर्क बुक पेजेस जो है पेज नंबर 2 और 3 उनके जो है हम आज पढ़ेंगे। उन क्या है, लेट्स सी। वर्क बुक पेज नंबर 1, नंबर 2 जो है उसमें क्या है, स्टेट ट्रू एंड फॉल्स एंड MCQs। स्टूडेंट्स, फर्स्ट वी रीड द ट्रू वर्क एंड एनर्जी। ट्रू एंड फॉल्स स्टेट्स वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर द ट्रू एंड फॉल्स। स्टूडेंट्स, नंबर फर्स्ट, ग्रेविटेशनल फोर्स पुल्स ऑल द ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ। स्टूडेंट्स, यू नो वेरी वेल अबाउट द ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल जो फोर्स है पुल्स डाउनवर्ड करता है अर्थ की तरफ, तो वो क्या है, हेयर इज अ ट्रू। सो यू कैन राइट हेयर ट्रू। स्टूडेंट्स, आपको यहाँ पे लिखना है ट्रू। नंबर सेकेंड इज अ स्लाइस ऑफ ब्रेड ऑन अ टेबल हैज़ अ केमिकल एनर्जी ओनली। स्टूडेंट्स, हेयर नॉट ओनली केमिकल एनर्जी। स्टूडेंट्स, हेयर इज अ फॉल्स। स्टूडेंट्स, सेकेंड इज अ फॉल्स। नंबर थर्ड, अ वाउंड अप क्लॉक स्प्रिंग हैज़ अ पोटेंशियल एनर्जी ग्रेविटेशनल। स्टूडेंट्स, अ वाउंड अप क्लॉक स्प्रिंग हैज अ पोटेंशियल एनर्जी। सो स्टूडेंट्स, वो मूव करता है, सो हेयर इज अ फॉल्स। नंबर थर्ड इज अ फॉल्स। एंड नंबर फोर्थ, ऑल मूविंग ऑब्जेक्ट्स हैव अ काइनेटिक एनर्जी। सो डियर स्टूडेंट्स, यू नो वेरी वेल अबाउट मूविंग ऑब्जेक्ट्स, जो भी है हमारी वो क्या है, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी मीन्स मूवमेंट, मूविंग ऑब्जेक्ट्स, मूविंग बॉडीज, तो क्या, हेयर इज अ ट्रू। नंबर फोर्थ इज अ ट्रू। नंबर फिफ्थ, वेन अ मूविंग कार डबल्स इट्स स्पीड, इट्स एनर्जी डबल्स एज वेल। सो डिस्टेंस, हेयर इज अ फॉल्स। अगर मूविंग कार है उसकी स्पीड डबल है तो वो फोर्थ टाइम उसकी होगी, इट्स एनर्जी डबल फोर्थ टाइम। सो हेयर ऑप्शन नंबर जो है, क्वेश्चन नंबर 5 जो है उसमें क्या होगा, फॉल्स होगा। सो डिस्टेंस, नेक्स्ट चूज द करेक्ट ऑप्शन। MCQs हम पढ़ेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूनिट ऑफ एनर्जी। एनर्जी का यूनिट हमने क्या पढ़ा था, जोल, किलो जोल, मेगा जोल। सो डिस्टेंस, हेयर ऑप्शन डी इज अ करेक्ट, जो कि मिली जोल है। मिली लीटर होता है जो कि वॉल्यूम का जो होता है यूनिट होता है, यहाँ पे मिली जोल है जो कि इनकरेक्ट है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन इनकरेक्ट होगा, मतलब होगा क्योंकि यूनिट ऑफ एनर्जी है जोल, किलो जोल एंड मेगा जोल। नंबर सेकंड, द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी स्टेट्स तो कौन सी है, हमने पढ़ा था लॉ ऑफ एनर्जी। ऑप्शन हेयर इज ऑप्शन सी इज अ करेक्ट। एनर्जी कैन नॉट बी मेड और डिस्ट्रॉयड बट इट कैन चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। सो हेयर सी ऑप्शन इज अ करेक्ट। नंबर डी, नंबर थर्ड जो है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द टाइप्स ऑफ एनर्जी। अब यहाँ पे देखेंगे एनर्जी का टाइप कौन सा नहीं है, वो टिक करेंगे जो एनर्जी का टाइप नहीं है। यहाँ पे केमिकल जो है वो भी एनर्जी का टाइप हमने पढ़ा था, इलेक्ट्रिकल है वो भी हमने एनर्जी का टाइप पढ़ा था, मैग्नेटिक है वो भी। नंबर ऑप्शन डी यहाँ पे आप टिक करेंगे, टेम्परेचर। टेम्परेचर आप क्या करेंगे, ऑल ऑफ द फॉलोइंग अदर टाइप्स ऑफ एनर्जी एक्सेप्ट। सो रेजिस्टेंस इन ऑप्शन थ्री में जो है वो डी है। सो रेजिस्टेंस, आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। अ स्क्वायर एट द टॉप ऑफ अ माउंटेन हैज, टॉप ऑफ अ माउंटेन हैज काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। आपको पता है हम जो है अर्थ से ग्रेविटी, पोटेंशियल एनर्जी हमारे ऊपर जाती है, हाइट मीन्स हम हाइट देखते हैं उसमें। नंबर फोर्थ में ऑप्शन बी इज अ करेक्ट। सो रेजिस्टेंस, नंबर फिफ्थ, अ न्यूक्लियर पावर स्टेशन प्रोड्यूसेस एनर्जी बाय। न्यूक्लियर पावर स्टेशन प्रोड्यूस एनर्जी बाय, तो वो कौन सी होगी, न्यूक्लियर फिशन, न्यूक्लियर फ्यूजन, न्यूक्लियर फ्यूजन एंड न्यूक्लियर फिजिंग। सो स्टूडेंट्स, हेयर इज अ बी ऑप्शन इज अ करेक्ट, न्यूक्लियर फ्यूजन। न्यूक्लियर पावर स्टेशन प्रोड्यूस एनर्जी करता है न्यूक्लियर फ्यूजन में, हेयर इज अ बी ऑप्शन इज अ करेक्ट। सो स्टूडेंट्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जी कैन कन्वर्टेड इंटू अदर टाइप्स ऑफ एनर्जी। वन टाइप आपको पता है, वन टाइप ऑफ एनर्जी का अदर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, जैसे फिल इन द गैप्स इन द लिस्ट ऑफ एनर्जी। अ टेलीविजन कन्वर्ट्स, टेलीविजन हम टीवी चलाते हैं तो वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी, आपको पता है लाइट चलती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो टेलीविजन हमें लाइट देती है, उसमें लाइट होती है और क्या है, साउंड होता है। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है लाइट एनर्जी में एंड साउंड एनर्जी में। सो स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिकल एनर्जी आर कन्वर्ट इनटू लाइट एनर्जी एंड साउंड एनर्जी। नंबर सेकंड इज अ मैच कन्वर्ट्स,
मैच का जो है मैच बॉक्स हम कोई भी जो बर्न करते हैं वो केमिकल एनर्जी होती है, वो किस में कन्वर्ट होती है, हीट में एंड लाइट में। सो केमिकल एनर्जी कन्वर्ट इनटू हीट एंड लाइट, एंड लाइट बल्ब इलेक्ट्रिकल एनर्जी आपको पता है वो लाइट एंड हीट देता है, तो वो कन्वर्ट होता है लाइट एंड हीट में। ह्यूमन बॉडी कन्वर्ट्स, हमारी बॉडी में जो भी फूड्स होता है वो केमिकल होता है, केमिकल एनर्जी होती है। अब कह लें केमिकल एनर्जी वो कन्वर्ट किस में होती है, काइनेटिक एनर्जी में। हम कोई भी केमिकल एनर्जी फूड्स खाते हैं फिर हम में एनर्जी आ जाती है, हम बहुत सारे वर्क करते हैं, काम करते हैं एनर्जी, तो वो काइनेटिक मीन्स हम मूवमेंट करते हैं। तो क्या होती है, केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है काइनेटिक एनर्जी में। माइक्रोफोन कन्वर्ट्स, माइक्रोफोन कन्वर्ट्स साउंड, साउंड एनर्जी वो इसमें कन्वर्ट होगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, साउंड एनर्जी कन्वर्ट होगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। अ फॉलिंग मेटल बकेट कन्वर्ट्स इनटू काइनेटिक, तो वो काइनेटिक एनर्जी जो है किसमें कन्वर्ट होगी, साउंड एंड हीट एनर्जी में। सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ तक ये, आगे हम चलते हैं नेक्स्ट पेज। द डायग्राम शोज अ गर्ल पुशिंग अ लॉन मोर, यहाँ पे आप देख रहे हैं गर्ल पुशिंग कर रही है। व्हाट फोर्स इज द गर्ल यूजिंग टू पुश द लॉन मोर, स्टूडेंट्स कितना फोर्स है, 100 न्यूटन, 100 न्यूटन जो है हम वो लिखेंगे फोर्स। हाउ फार इज द गर्ल पुशिंग द लॉन मोर, स्टूडेंट्स यहाँ पे कितना है, पुशिंग कितना कर रही है, नीचे पे मीटर लिखा हुआ है 200 मीटर, 200 मीटर। कैलकुलेट द वर्क डन बाय द गर्ल इन पुशिंग लॉन मोर मोर डिस्टेंस, स्टूडेंट्स हमने पढ़ा था डिस्टेंस जो है वो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स जो हमें मिला हुआ है उनको मल्टीप्लाई करेंगे डिस्टेंस से, मीन्स 100 मल्टीप्लाई बाय 200, तो जो आंसर आएगा 20,000 जूल्स यहाँ पे हमने लिखा है। हाउ मच वर्क विल द गर्ल डू इफ शी पुशेस लॉन मोर ट्वाइस इज फोर, स्टूडेंट्स 100 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 400 से, मीन्स के हमें जो आंसर मिला यहाँ पे हमने पुटअप कर लिया है 40,000 जूल्स। सो डियर स्टूडेंट्स आज का लेक्चर आपका यहाँ तक है, ये जो आपको जो वर्कबुक है, वर्कबुक पेज नंबर 2 एंड 3 वो आपको फ्लिप करके मुझे व्हाट्सएप पे दिखाना है, ये होमवर्क है आप लोगों का। एंड सेकंड लेसन जो है फर्स्ट चैप्टर का, उनके क्वेश्चन आंसर्स याद करके मुझे वॉइस नोट पे बताने हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।